क्वेश्चन है, अ डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को दो बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच टॉस, तो हर टॉस पे ग्रेटर देन 3 ये अपीयर हुआ हो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, दो इवेंट हम बना सकते हैं, एक ए और बी, लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट, और ए हम मान लेते हैं जो फर्स्ट टाइम टॉस किया गया उस पर ग्रेटर देन 3 आया हो, तो गेटिंग ग्रेटर देन 3 ऑन डाइस ऑन फर्स्ट टॉस, ये क्लियर। और बी इवेंट, सेकेंड टाइम जो टॉस किए हैं उस पर भी ग्रेटर देन 3 आया हो, तो गेटिंग ग्रेटर देन 3 ऑन डाइस ऑन सेकेंड टॉस, तो ये ए और बी दो इवेंट हमने मान लिया। तो देखिए ग्रेटर देन 3 डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 4, 5, 6, ये क्लियर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, इन तीन में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, और टोटल 1 to 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3/6 यानी कि 1/2, लेकिन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि फर्स्ट टॉस पे भी ग्रेटर देन 3 आया हो एंड सेकेंड टॉस पे भी ग्रेटर देन 3 आया हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये हमें कैलकुलेट करना है। और सिंस ए और बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टॉस पे क्या आ रहा है इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है सेकेंड टॉस पे, तो ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो यहां पे पी ए ये आया 1/2, पी बी 1/2, तो ये आ गया 1/4, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्लियर।